अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बादल शेख, जिनको कॉमेडी की दुनिया में लोग छोटू के नाम से काफ़ी जानते हैं। और विशेष बात ये है इनकी, ये हमारे चैनल में काफ़ी समय से इंटरव्यू करता है, लेकिन आज ये बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जो इतने बड़े लेवल पे पहुंच रहे हो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये आप इतने चैनलों में काम कर रहे हो, आखिर इसका राज क्या है कि आप कौन सा एक ऐसा चैनल चूज़ करोगे जो आपको लगेगा कि इसमें मेरा करियर है? ऐसा है कि मेरे करियर की जहाँ तक सवाल है कि मैं यूट्यूब चैनल पे जब मैं फर्स्ट काम करने को आया तो खानदेश मूवीज़ जो मालेगांव खानदेश का एक चैनल है जो कॉमेडी की दुनिया में नंबर एक पे चलता है, जिसपे एक और छोटू है जो शफीक नाम करके है, और वो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। वो काफ़ी अच्छा एक्टर्स भी है, मैं उसको बहुत फैन हूँ उसका भी, और मैं काफ़ी उसकी वीडियो को देखता हूँ और उसके वीडियो को फॉलो करते, और मैं बहुत कोशिश किया कि मैं शफीक छोटू के साथ काम करने के लिए। तो जहाँ तक मेरी सोच थी और मेरी पहुँच थी, बहुत जल्दी उसको मैंने पाया अपने हाथों से। और जिसके खानदेश मूवी के डायरेक्टर वसीम अंजुम साहब और प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, काफ़ी अच्छे राइटिंग उनकी रहती है और मेकिंग बहुत अच्छे करते हैं और डायरेक्टर भी अच्छे हैं, और बहुत जल्द ही उनके चैनल को गोल्डन बटन भी मिला, डायमंड। और वो आदमी बहुत नेक दिल और दरिया दिल इंसान है। यहाँ तक पहुँचना और इतने बड़े पैमाने पे चैनल लाना और लोगों को अच्छे अच्छे प्रेजेंट करना और एक्टरों को नए नए लोगों को चांस देना, बहुत अच्छे उनके अंदर हुनर एक कला है। और जल्दी उनके खानदेश मूवी चैनल को डायमंड बटन मिली है, सारे लोग दुनिया को मालूम है। और उनके चैनल पे शफीक जो एक्टर है बहुत अच्छा पॉपुलर एक्टर है और अच्छा एक्टिंग भी करता है। तो मुझे अंजुम साहब से जब किसी के ज़रिए मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ तो अंजुम साहब को मैंने बहुत मतलब बातचीत करते करते यहाँ तक लगाया कि मैं उनके साथ काम भी किया और शफीक के साथ मैं देखा भी उनके चैनल पे। काफ़ी लोग वो वीडियो को अच्छे भी देखे, 8-9 मिलियन में भी गया वो वीडियो। उसके बाद मेरी करियर शुरुआत हुई खानदेश मूवीज़ के बाद मालेगांव का एक चैनल है जीडी ग्रुप, जिसके डायरेक्टर गणेश देवरे, राइटर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं, और काफ़ी अच्छा सिलसिला रहा जीडी ग्रुप मालेगांव चैनल पे भी, अच्छा वीडियोस भी मेरे चले और लोगों ने प्यार दिया। उसके बाद मैंने फिर मालेगांव एमके इंटरटेनमेंट पे भी दिखना चालू कर दिया और आज भी वो एमके इंटरटेनमेंट चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरी चैनल की करियर यूट्यूब पे जो हुई, चलते चलते जो सफ़र रहा, तो भारत देश कॉमेडी किंग जो मुंबई की चैनल है एक, उस पर मैं दिखना चालू किया और दिखता रहा, काफ़ी अच्छे व्यूवर्स वीडियो पे मिले और चलता भी रहा, लोगों ने प्यार भी दिया। और खानदेश मूवीज़ के बाद, जीडी ग्रुप मूवीज़ के बाद, एमके इंटरटेनमेंट मूवीज़ के बाद, इतने चैनलों पे काम करते करते मैंने भारत देश कॉमेडी चैनल को पाया मुंबई की, उस पर भी काम करता रहा, जिसके डायरेक्टर हैं सोपाल सोलंकी, प्रोड्यूसर भी हैं, और जिनके चैनल पर राइटर बिंद्या शुक्ला जी थे, काफ़ी अच्छी राइटिंग किए थे उन्होंने, मैंने उनके कॉन्सेप्ट पे भी काम किया, बहुत अच्छा काम मिला मुझे, अच्छा प्यार भी मिला ऑडियंस से। उसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे और कुछ चीज़ें करना है मेरे करियर के हिसाब से, बड़ा करियर, बड़ा एक लेवल पे चलना है करना है, तो मैंने अपने करियर की शुरुआत अपने खुद की एक चैनल मतलब बनाया, और वो चैनल का नाम है खानदेशी हंगामा। जैसा चैनल का नाम है वैसा ही हंगामा मैंने किया, इसीलिए आज मैं यूट्यूब पे काफ़ी मेरे फैंस फॉलो हुए, लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे ईमानदारी की काम देखे, मेरे अच्छे साफ सुथरा काम देखे ऑडियंस ने, और वो मुझे इतना प्यार दिए कि मैं आज यूट्यूब पे एक नाम चिंग एक्टर्स के नाम से जाने लगा मैं, और अच्छा मतलब पकड़ बनाई मजबूत यूट्यूब चैनल, हाँ कॉमेडी की दुनिया में, और काफ़ी अच्छा अच्छी पकड़ ऑडियंस के बीच बहुत जल्द मैंने बनाई। ये खाने का काम नहीं था मेरे लिए, और इतने डायरेक्टरों के साथ काम करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे डायरेक्टर मुझे अच्छे लगे, वसीम अंजुम साहब, गणेश देवरे, मालेगांव जीडी ग्रुप, और खानदेश मूवीज़ के जो अंजुम साहब के बाद भारत देश कॉमेडी जो बॉम्बे की चैनल है सोपाल सोलंकी जी के साथ काम करते करते, खुद मैं इन लोगों के साथ करते करते मैंने खुद डायरेक्टर भी बना, एक्टर प्लस डायरेक्टर।
तो मैंने खानदेशी हंगामा में जितने वीडियोस मेरे आज लोगों ने देखा, 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 75 हज़ार, 80 हज़ार, इतने मेरे वीडियो के व्यूवर्स आने मेरे लिए तो बहुत, मतलब मैं तहे दिल से ऑडियंस जनता का मैंने बहुत प्यार भरपूर पाया। और यही उम्मीद मैं जनताओं से और ऑडियंस से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में मेरे देखते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं हंगामा चैनल को और मेरे हंगामा चैनल के वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनसे। ये बस मिला जनता ऑडियंस से मेरे लिए बहुत 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 बड़ी, मेरे लिए आश्चर्यजनक की बात है। और ऑडियंस का मुझे प्यार मिला, मैं जनता से तहे दिल से, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी ऐसे ही प्यार बने रहने की उम्मीद भी करता हूँ कि मेरे वीडियो को देखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और खानदेश हंगामा चैनल को भी लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और जिन जिन चैनलों के नाम मैंने बताया, खानदेश मूवीज़ और जेके अपना एमके इंटरटेनमेंट और जीडी ग्रुप मालेगांव भी चैनल, भारत देश कॉमेडी चैनल, इनको भी लाइक दें, कमेंट्स अच्छे अच्छे करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तलक हूँ। और मैं बुमरी टीवी न्यूज़ को माध्यम से मैं जनता को, ऑडियंस को बता रहा हूँ और मैं मुंबई टीवी के तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद कहता हूँ कि ये इनके माध्यम से मेरी आवाज़ जनता के बीच जा रही है। और मैं जनता को भी धन्यवाद और शुक्रिया और थैंक यू और मैं कहना चाहूँगा बस। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, आप इतने लेवल पर पहुँच गए हो, आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं सबसे पहले इसका श्रेय खानदेश मूवीज़ के जो डायरेक्टर हैं अंजुम साहब और गणेश देवरे मालेगांव एंके इंटरटेनमेंट और सोपाल सोलंकी भारत देश कॉमेडी किंग के जो डायरेक्टर हैं, इनको मैं देना चाहूँगा। और इसके अलावा भी और भी मेरे चैनल पे काफ़ी बात चल रहे हैं काम के, जैसे आरएस इंटरटेनमेंट बहुत पॉपुलर चैनल है मालेगांव के, जिसके डायरेक्टर राजू सनी साहब हैं और प्रोड्यूसर राजू सनी साहब हैं और राइटर फारूक राही, बहुत अच्छे टॉप के राइटर हैं मालेगांव में, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरे हंगामा चैनल के राइटर भी फारूक राही साहब ही रहे और मैं इन लोगों के साथ में बहुत जल्द काम पे बहुत जल्द मैं दिखने वाला हूँ चैनल पे। और एक और एक चैनल है जिसका मैं बता देता हूँ कि खानदेश पंच है, एक नंबर फनी का खानदेश पंच है, नया नया अभी उभरता है और उभर रहा है, जिसके डायरेक्टर और राइटर प्रोड्यूसर शफीक मेंबर साहब जो बहुत नामचीन हस्ती हैं मालेगांव के, नगर सेवक भी हैं और बहुत लोगों के चहीते रहे नगर सेवक, उनकी ये चैनल है खानदेश पंच, उनके भी चैनल पे मैं बहुत जल्द दिखने वाला हूँ और मैं इन डायरेक्टरों के छत्र छाया में काम करने वाला हूँ और किया भी हूँ, करने का और उम्मीद भी है, मैं बहुत जल्द ये दो चैनलों पे भी दिखने वाला हूँ। जिस तरीके से बादल शेख ने अपनी जर्नी बताई, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक लाइव स्टाइल पे इनके इंटरव्यू करेंगे और इनकी जर्नी बताएंगे कि ये किस तरीके से शुरुआत किए। बने रहिए वीडियो में और जैसा प्यार बादल शेख को देते हैं उसी तरीके से देते रहिए है।